তার পর যার থেকে হবে আজ হায়দ্রাবাদ বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল কমিটি দ্বারা এক ডে নাইট ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট রাখা গেছে আমাদের বাঙালি সমাজকে তরফ সে জিসমে আট টিম পার্টিসিপেট করে উসমে সে আমি সেমিফাইনাল কা লাস্ট ম্যাচ চল রা থা ইসকে বাদ ফাইনাল ম্যাচ হোঙ্গে এ আমাদের যে কমিটি হয় ফুটবল কমিটি হয় ফুটবল কমিটি কা সভাপতি অভিমন্যু মাইতি সেক্রেটারি মনোরঞ্জন মাইতি আর আমাদের হায়দ্রাবাদ বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কা প্রেসিডেন্ট তুষারকান্তি মহাশয় আর উনকে সাথে আমাদের পুরে বুজুর্গ লোক ইধার উপস্থিত হয় প্রেজেন্ট হয় এ যে ম্যাচ আমাদের বেঙ্গলি তরফ সে হার্ষ চালা যেতে হয় এ ইসবার আমাদের হায়দ্রাবাদ বেঙ্গলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে তরফ সে ফার্স্ট টাইম হয় আর আমার আর এক ম্যাচ হতা ওয়ান ডে ম্যাচ হতা যে সেপ্টেম্বর কো হতা এ ডে নাইট ম্যাচ পহলি বার হ্যাঁ ইয়াপে আমার ঘাসি বাজার জিতনা বেঙ্গলি হয় আজ সুবে সে জব আমার 3 বাজে সে স্টার্ট হওয়া থা ম্যাচ ইয়াপে জিতনা ভি স্টেডিয়াম পুরা ভরা হওয়া থা কম সে কম 20,000 পাবলিক থা ইয়াপে আবি ইতনে রাত হো গয়া ফির ভি আপ দেখিয়ে ইয়াপে কিতনা পাবলিক হ্যাঁ কিতনা ফুটবল প্রেমী ইয়াপে হ্যাঁ
जो फुटबॉल को इतना प्रेम करता है, और हमारे बंगाल का फुटबॉल जो गेम है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल प्रेमी पश्चिम बंगाल में रहते थे, और यहाँ पे भी हम लोग जो काम के वास्ते जो बिजनेस के वास्ते आके यहाँ पे बस जाते हैं, यहाँ पे परिवार के साथ रह जाते हैं। हमारे अंदर जो खून है वो फुटबॉल का खून है। आज हम लोग यहाँ पे बता दिया कि हैदराबाद में भी हमारा बंगाली का जो फुटबॉल का जो गेम का एक चेतना है वो यहाँ पे भी है, जो आवेग है वो यहाँ पे भी है। और हर साल हम लोग बंगाल एसोसिएशन का है, ये पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहा है। नहीं, यहाँ से कम अभी 12 साल से फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है हमारे बंगाली सोसाइटी के द्वारा, जो सितंबर महीने को होता। अब ये डे नाइट जो है, डे नाइट फुटबॉल गेम जो है वो पहली बार हो रहा, फर्स्ट टाइम है, लेकिन अभी से हर साल चलते रहेगा ऐसा। सर, आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को फुटबॉल कर स्पोर्ट्स से जुड़कर हेल्थ के लिए या आपस में एकता के लिए, उसके बारे में? ये जो फुटबॉल हम लोग चला रहा हूँ इसलिए कि जितने भी सोसाइटी हैं यहाँ पे, पूरे सोसाइटी को एक साथ करने के वास्ते, क्योंकि ये राम रहीम का शहर है, ये शहर में हम लोग मिलजुल के रहते हैं। चार मीनार इंडिया का एक ऐतिहासिक प्लेस है। यहाँ पे हर स्टेट से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के तक, हर स्टेट से यहाँ पे बिजनेस के लिए आते। यहाँ का वातावरण, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का संस्कार जो है, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं जो दूसरे जैसे यहाँ का दूसरे सिटी से यहाँ का वातावरण अच्छा है, संस्कार अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, इसलिए यहाँ पे रह के हम लोग एक साथ रह के काम करेंगे, एक साथ रह के जो भी है बिजनेस करेंगे और खेल को भी साथ में रखेंगे। हैदराबाद के लोगों को क्या मैसेज देना चाहता है? हैदराबाद को मैं हम लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम सब सब एक है, हम सब साथ है। स्पोर्ट्स को नौजवानों में स्पोर्ट्स, हाँ, नौजवान में जो क्या है, हर नौजवान मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो हेल्थ अच्छे रखते हैं। तो ये मैसेज देता हूँ, और स्पोर्ट्स खेलने से माइंड भी सही रहता, नौजवान आगे आके हमारा इंडिया का, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। तो स्पोर्ट्स जो है उनके साथ जुड़े हुए तो उनका माइंड भी सही रहेंगे और हेल्थ भी सही रहेंगे। टोटल कितने टीम पार्टिसिपेट करें इसमें? 8 टीम है। 8 जी।